Hello guys, welcome to Sneha Ke Sang. I hope everybody is doing fine and staying safe. दुनिया धीरे धीरे चालू हो रही है, हमारे आसपास की दुनिया धीरे धीरे खुल रही है, तो मेक श्योर यू आर प्रिकॉशियस, यू आर टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ. आप मास्क पहन रहे हैं, आप हाथ धो रहे हैं और आप सेफ रह रहे हैं. सो वेलकम बैक टू स्नेहा के संग. आई नो आई हैव नॉट बीन मेकिंग फ्रीक्वेंटली वीडियोज. एक्चुअली बहुत दिन पहले मैंने एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाला था दैट आस्क मी एनीथिंग एंड आई वुड आंसर इट ऑन माई यूट्यूब. उस वक्त मुझे बहुत सारे सवाल आए थे और मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई थी कि किस किस के जवाब दूं. भी मैंने उनमें से 10 सवाल चूज किए हैं एंड आई एम गोइंग टू मेक दिस वीडियो विद दोस 10 क्वेश्चंस. दिस इज माय क्यूट लिटिल डायरी. इसमें मैंने आपके सवाल लिखे हुए हैं. मुझे ज्यादा पेपर और पेन पसंद है. वर्चुअल चीजें अच्छी लगती है लेकिन जो मजा पेपर और पेन में है वो किसी में नहीं. सबसे पहले तो लॉट्स ऑफ लव टू ऑल द कंट्रीज, स्पेशली म्यांमार, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, इंडोनेशिया, हाउ कैन आई फॉरगेट इंडोनेशिया, बांग्लादेश, वियतनाम, रोमानिया, तंजानिया, यूएई. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड हु आर लविंग माई शोज, हु आर लविंग मी, हु आर पर्सनली डीएमिंग मी सो मच ऑन माई सोशल मीडिया एंड शावरिंग मी विद ऑल देयर लव. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच. थैंक्स अ लॉट. तो सबसे पहला सवाल है कन्हैया नामा 1810. आप पूछ रहे हैं कि आपकी सबसे फेवरेट जगह कौन सी. भाई दुनिया घूम के आ जाओ, अपने घर से ज्यादा फेवरेट जगह और कोई नहीं हो सकती. फिर है 10 पॉइंट भास्कर, एक्टिंग क्लासेस ऑन यूट्यूब. आपको लगता है मैं इतनी अच्छी एक्ट्रेस हूँ कि मैं एक्टिंग क्लासेस खोलूँ, वो भी यूट्यूब पे जहाँ पे लोग इतने सारे पूरी दुनिया भर के लोग देख रहे हैं. नॉट वेरी सून, अभी तो मुझे खुद को सीखना बाकी है, मैं खुद इतना सीख रही हूँ. एक्टिंग क्लासेस आई एम नॉट वेरी श्योर. केया परमार 2005 मुझसे पूछती है आप एक्टिंग फील्ड में कैसे आए. केया परमार, मैं एक्टिंग फील्ड में बाय फ्लूक आ गई. मतलब मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया था कि मैं एक्टर बनूंगी. मैं क्लासिकल डांसर थी, एक परफॉर्मेंस था, लाइव परफॉर्मेंस. वहाँ पे एक डायरेक्टर आए थे, उन्होंने वो देखा एंड ही सिलेक्टेड मी फॉर हिज थिएटर प्ले बाई फ्लूक. मैंने तो पहले, मुझे तो लगता ही नहीं था कि मैं एक्टर बनूंगी. सबसे पहली बात तो मैं बोलते ना एक बाई चांस एक्टर बाई चांस बन गई मैं. नेक्स्ट वाला अंडरस्कोर के आप मुझे बोल रहे हैं वर्क विद मी इन गुजराती टीवी. या श्योर, वाई नॉट, केम छो मजामा, मैंने गुजराती आवड़े छे. दिनेश अमृत ने पूछा है विल यू एक्ट इन तमिल. ऑफकोर्स आई विल एक्ट इन तमिल, वाई नॉट, எப்படி இருக்கீங்க? நானும் இருக்கேன். நீங்க ரொம்ப அழகா இருக்க, நீங்க ரொம்ப அழகா இருக்கீங்க. தோடி தோடி ஆதி த அண்டர் ஸ்கோர் ஸ்னேஹா ஃபேன் கிளப் ने मुझसे पूछा है. वैसे लेट मी टेक अ मोमेंट एंड थैंक ऑल माई फैन क्लब्स, स्नेहाबाद फैन क्लब्स जितने भी हैं उनको सबको थैंक यू वेरी मच. यू डूइंग अ लॉट फॉर मी. आप इतना एफर्ट ले रहे हैं. I love you guys. Thank you very much. So yeah, the underscore Sneha underscore fan club is asking which type of coffee do you like the most. So I am a coffee lover. I love coffee, mostly dark black coffee. But my favorite is mocha, and especially वो वाला mocha जो McDonald's में मिलता है, वही वाला mocha मेरा सबसे favorite है. बाकी बहुत सारी coffees. I am a coffee drinker. I am a coffee lover. Absolutely. थोलपडी डॉट अनघा आर्ट्स ने मुझसे पूछा है कि जीवन का वर्णन 3 शब्दों में. डोंट यू थिंक इट्स अ लिटिल रूड? 3 शब्दों में इतना हमारा खूबसूरत जीवन है, इसको 3 शब्दों में कैसे वर्णन कर सकते हैं? आई थिंक इट्स नॉट फेयर, बट आई लव माई लाइफ एंड आई एम happy that I am in this space wherever I am right now. I am really grateful. मैं ऊपर वाले को हजार लाख बार शुक्र मनाना चाहती हूँ कि मुझे आज उन्होंने यहाँ पे रखा है and I am living the time of my life however it is. I am thankful for whatever I have right now and whatever I am in. And जीवन का वर्णन अगर आप बोलो तो 3 शब्दों के लिए जीवन का वर्णन करना बहुत मुश्किल है, जो आई डोंट थिंक सो मैं कर सकती हूँ. curly_wildflower पूछ रहे हैं विच इज़ माई फ्रेंड एन.
How can you find out such a difficult question? Humans want to go to heaven after death, but are scared of death. Why? Oh, why? And I think we as humans have sinned so much. मतलब हमने इतनी गलतियाँ की हैं कि हमको पता है कि हमारी गलतियाँ कितनी हैं और हमको मरने के बाद हेवन में जाना है, लेकिन हमको पता है हमने इतनी सारी गलतियाँ की है कि पता नहीं कि हमको माफ़ किया जाएगा उन गलतियों के लिए या नहीं किया जाएगा. इसलिए हमको डर लगता है कि कहीं हम हेल में ना चले जाए. इसके लिए हमको डेथ का डर लगता है, आई थिंक सो. और मुझसे पूछा है कि आपका फेवरेट कैरेक्टर इन महाभारत कौन सा है. हरजिंदर पाल जी ने पूछा है, उन्होंने मुझसे ऑल्सो बोला है कि से हाय रवीना. अच्छा, 586 हरजिंदर पाल जी ने मुझे बोला है से हाय रवीना. कैसे? ओके, एनीवेज, हाय रवीना. सबसे फेवरेट जो कैरेक्टर इन महाभारत है वो ऑब्वियसली द्रौपदी का है, क्योंकि जो भी सोल रीजंस आपको पता है, और मुझे मुझे वो बहुत पावरफुल और स्ट्रॉन्ग लगता है वो कैरेक्टर. और इमेजिन करें कि महाभारत इज़ आर हिस्ट्री एंड दैट हैज़ बीन आर एंशंट हिस्ट्री. तो जो चीज़ें वो एंशंट इंडिया में हुई है, जो द्रौपदी एंशंट इंडिया में रही है, आई थिंक शी वॉज टू गुड एट हर टाइम. एंड वो टाइम पे इतनी स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर हो सकता है, तो अभी क्यों नहीं? अभी वाई आर वी मेकिंग वीमेन वीक सो मच? वीमेन आर पावरफुल, दे आर वेरी वेरी पावरफुल, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग. औरतों को सिर्फ बोल बोल के कि ये एक वीकर सेक्स है बोल बोल के उनको बहुत वीक बनाया, बट लुक एट द्रौपदी, शी इज अनइमेजिनेबली स्ट्रॉन्ग. So I hope I have covered a lot of your questions and I have answered you guys. And a lot of people are asking me about my relationship. My personal relationship is a whole different topic which needs another YouTube video. जो इसमें नहीं आ सकता, इसमें फिट नहीं हो सकता. किसी दिन मैं ऐसा वीडियो बनाऊंगी जहाँ पे सिर्फ मैं अपने पर्सनल स्पेस के बारे में बात करूंगी, but not now. So guys, that's all from me for now, Sneha Ke Sang. Keep watching this space for more, and also if you love my videos, like, comment, subscribe, and do let me know what you feel about these videos. And I am very new to this space, so if I have to learn something, please feel free to tell me. And love you guys all. Stay safe and take care of your health and love yourself. खुद खुश रहोगे तो आप अपने आस पास भी खुशियां फैलाओगे. Love you guys. Signing out, Sneha Ke Sang. Bye bye.